स्टोरी ऐसी है कि दो लोगों को जो है पकड़ लिया, ठीक है, टू मेंबर्स ऑफ अ क्रिमिनल गैंग आर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। ईच प्रिजनर इज इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विद नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। The prosecutors lack sufficient evidence to convict the pair of the principal on the principal charge, but they have enough to convict both on a lesser charge. ठीक है? Simultaneously, the prosecutors offer each prisoner a bargain. Each prisoner is given the opportunity either to betray the other by testifying that the other committed the crime, or to cooperate with the other by remaining silent. The possible outcomes are, है ना? अगर आप सच्चाई देखिए, वो क्या रहा है कि भाई वो ऑप्शन दे रहा है कि भाई या तो आप नहीं मानोगे कि आपने क्या क्राइम किया, या फिर आप बोलोगे कि नहीं दूसरे वाले ने क्राइम किया, आपने क्राइम किया ये आपसे नहीं पूछा जा रहा, आप नहीं मानोगे। अच्छा, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके पास ये इतना नहीं है कि वो ये निकाल सकें कि इनको जो है बड़े चार्ज के लिए पकड़ा जा सकता है। तो अगर सामने वाला बीट्रे करता है तो फिर कर सकते हैं, नहीं तो फिर इनको लेसर चार्ज के लिए कॉन्विक्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, देखिए ये ऑप्शंस हैं। इफ़ ए एंड बी ईच बीट्रे द अदर, ईच ऑफ देम सर्व्स टू ईयर्स इन प्रिजन, है ना, कि ए ने बोला हाँ बी ने ये क्राइम कमिट किया है, बी से पूछा गया, तो क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो ये आपस में बात करके ये नहीं कर सकते कि अपन लोग ने ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, ठीक है। इनके पास क्या ऑप्शंस है कि भाई सबसे पहले ए ने बोला कि हाँ बी ने कमिट किया है, बी ने बोला कि हाँ ए ने कमिट किया है, तो उस केस में जो है 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा अगर ए बीट्रे करता है। इफ ए बीट्रेस बी बट बी रिमेन साइलेंट, ए विल बी सेट फ्री एंड बी विल सर्व 3 years इन प्रिजन। कंडीशन देखिएगा, ठीक है ना। दूसरा केस है कि इफ ए रिमेन साइलेंट बट बी बीट्रेस ए, ए विल सर्व 3 years इन प्रिजन एंड बी विल बी सेट फ्री, समझ रहे हैं। एंड इफ ए एंड बी बोथ रिमेन साइलेंट, बोथ ऑफ देम विल सर्व 1 year इन प्रिजन ऑन अ लेसर चार्ज। अब मुझे बताइए कि आप और आपका दोस्त जो कि अगर इस तरीके का क्राइम करता है, ठीक है, तो वॉट विल बी योर मोडस ऑपरेंडी, आप क्या करना चाहोगे? सर मे बी टू रिमेन साइलेंट। यू विल लाइक टू रिमेन साइलेंट, आप इस चीज का रिस्क समझ रहे हो? Yes. कि अगर आप शांत रहे और उसने ये कह दिया कि आपने जो है क्राइम कमिट किया है, तो आप 3 साल के लिए अंदर जाओगे और वो सेट फ्री हो जाएगा। यू डू नॉट हैव दी रीजन, मतलब आप सभी से ये क्वेश्चन है, आकाश से सिर्फ नहीं कह रहा हूं मैं, एवरीबडी इन दी क्लास। आप देखिएगा, अगर आप शांत रहे, हाँ, आप कोई गारंटी नहीं ले सकते कि सामने वाला भी शांत रहेगा। सामने वाले ने बोला कि चलो मैं बीट्रे कर लेता हूँ, अगर उसने बीट्रे किया तो फिर आप जाओगे 3 साल के लिए अंदर और वो सेट फ्री हो जाएगा। इफ यू रिमेन साइलेंट, आप इस चीज को समझिए कि यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच। इफ यू रिमेन साइलेंट एंड द अदर पर्सन बीट्रेस, यू आर गॉन फॉर अ टॉस। आप इस चीज को समझना, ठीक है। इफ द अदर पर्सन रिमेन साइलेंट एंड यू बीट्रे, यू आर सेट फ्री, ठीक है। और अगर आप दोनों शांत रहे तो आप 1-1 साल के लिए अंदर जाओगे, ठीक। तो अब आप समझ रहे हो कि अगर आप दोनों बीट्रे करते, कि आपने बोला कि अगर उसने बीट्रे कर दिया और मैं साइलेंट रहा, फिर तो मैं मारा जाऊंगा फालतू में, है ना, तो मैं भी बीट्रे करता हूँ एंड आई होप कि वो भी बीट्रे कर दे, ठीक है, तो हम 2-2 साल के लिए अंदर चले जाएंगे। और अगर हम तो अगर मैंने बीट्रे किया और उसने बीट्रे नहीं किया, फिर तो मैं फ्री हो गया, मैं तो छूट ही गया, तो वो भी मुझे फायदेमंद है। लेकिन अगर मैं साइलेंट रहा और वो बोल दिया, देखो अगर मैं साइलेंट रहा और वो साइलेंट रहा तो अच्छी बात है 1 साल। लेकिन अगर मैं साइलेंट रहा लेकिन वो साइलेंट नहीं रहा, देन इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। So can you put the trust on him and saying that okay, I will remain silent and he will also remain silent? Kya aap itna trust kar paoge? Practically speaking, samjhega, you people are criminals, hai na? To is case mein jo hai, aap is cheez ko bhi dekho ki the person are basically criminal minded, hai na? They are not very ethically and morally motivated ki are hum to bahut acha decision lete hain, hum chori chakari badmashi karte hain, theek hai? In that case, do you think that these people or these guys will remain, or you as one of them will remain silent, or you will take the so-called practical path of betraying? Kyunki agar samne wala bhi betray karta hai to bhi aap dono andar jaate ho na,
जनरली मोस्ट प्रॉब्ली बिट्रे कर देंगे, बट अगर सर इस पर भी डिपेंड करता है ना, इफ दे आर बोथ कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, तो अगर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स होते हैं एंड दे कमिट अ क्राइम टुगेदर, देन मोस्ट मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज दैट दे बोथ विल बिट्रे. बट अगर कोई एक बिट मतलब, और फिर अगर आप पर्सनल हो जाते हो कि अगर आप मतलब देखो बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली क्या करता है पर्सन में, ये चीज पूछने की या ये चीज समझने की कोशिश कर. ऑब्वियसली सर वो बोल देंगे कि उन्होंने किया, मतलब दूसरे इंसान को प्रोबेबली बिट्रे कर देंगे. देखिए सारे लोगों के लिए समझना क्या जरूरी है पता है, सारे लोगों को ये चीज समझना जरूरी है. देखिए आप अगर शांत रहते हैं तो यू आर एक्चुअली टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क, क्योंकि एक तो है फायदा कि आप एक एक साल के लिए अंदर जाओगे, ठीक है, लेकिन दूसरा है कि आप 3 साल के लिए अंदर जाओगे और दूसरा वाला छूट भी जाएगा, ठीक है ना. अच्छा मैं आपको थोड़ा सा अगर इससे ज्यादा, इफ आई से दिस एंड प्लीज डू नॉट माइंड, ऐसे भी आप लोगों का माइंड के लिए ये सवाल है नहीं, है ना. लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी स्ट्रेट विथ यू. आपको बुरा किस बात का लगता है, 79 पे आपका ग्रेड अटक गया या 80 पे किसी को एक नंबर देके वो 81 पे चला गया और उसका 9 ग्रेड आया और आपका 8 ग्रेड आया. The truth is, आपका 79 और उसका मान लेते 79.5 था, आधे नंबर का डिफरेंस था. आपके टीचर ने आपका 79 को 81 नहीं किया, लेकिन 79.5 वाला 80 पे पहुंच गया, 80 वाले को 81 किया, उसका 9 ग्रेड आया, आपका 8 ग्रेड आया, आपका दिमाग खराब होता है. सच्चाई ये है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको मतलब हमको, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ. हमें प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाले को फायदा हुआ क्या, और अगर वो हुआ तो मुझे क्यों नहीं हुआ, है ना. अगर मैं शांत रहता हूं तो दोनों ही केस में मुझे जो है सजा मिलेगी, चाहे वो भी शांत रहे तो भी मुझे सजा मिलेगी, और अगर उसने बीट्रे किया तो भी मुझे सजा मिलेगी. लेकिन अगर मैंने बीट्रे किया तो अगर वो शांत रहा तो मैं छूट ही जाऊंगा, और अगर वो शांत नहीं रहा, उसने भी बोला, तो मैं 2 साल के लिए जाऊंगा और वो भी जाएगा, ठीक है. तो आप इस चीज को समझिएगा, ह्यूमन बीइंग्स परसीव थिंग्स विथ अ लॉट ऑफ बैगेज. हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है. मेरे शांत रहने पे मैं जेल से किसी भी हालत में नहीं बाहर निकलूंगा, मुझे एटलीस्ट 1 साल रहना पड़ेगा, लेकिन मैं बीट्रे करता हूं तो देयर इज अ चांस कि मैं तब के तब बाहर निकल जाऊं, ठीक है, और ये भी चांस है कि मैं 2 साल के लिए अंदर जाऊं, लेकिन फिर वो भी जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो भी जाएगा. तो ह्यूमन बीइंग्स हमेशा जो है इसी तरीके से डिसीजन लेते हैं. और अगर मैं ये सच बोलूं तो ये आपके क्लास में भी ट्रुथ है, क्योंकि मेरे पास बच्चों ने फोन किया, आई विल नॉट लाइक टू डिस्क्लोज देयर नेम्स, कि सर मेरा ग्रेड क्या बन रहा है या मेरा ग्रेड ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और प्रॉब्लम यही थी कि वो जो है बाउंड्री लाइन पे थे और उनको पता है कि उनका दोस्त या कोई दूसरा बंदा जो है उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है. जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है वो मुझे फोन नहीं करता कि सर मेरा ग्रेड क्या आएगा, लेकिन जो बाउंड्री लाइन पे होता है वो मुझे ये जरूर फोन करके पूछता है कि ग्रेड क्या आएगा. कि सिर्फ हमें इस चीज का फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा ग्रेड क्या आया, मुझे इस चीज का फर्क पड़ता है कि सामने वाले का क्या ग्रेड आया. हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें हम हमेशा 2 चीजों को देखते हैं. पहला चीज मुझे फायदा होना चाहिए, दूसरा चीज दूसरे वाले को फायदा नहीं होना चाहिए, या दूसरे वाला मुझे नुकसान नहीं कर सके. और ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, ये दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स ग्रो, दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स थिंक. वी कॉम्पीट, वी नेवर ट्राई टू एक्सेल, है ना. हम इस कोर्स के आगे चल के इस बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिशन एंड एक्सीलेंस.